Hey guys, this is Rabia Moghi and you're watching me on Kusha Magazine. और हमारे टॉप 5 ड्रामास कौन से हैं इस हफ्ते? Let's find out. अच्छा जी, इस हफ्ते कुछ बड़े मजे की चीजें हो रही हैं, बहुत सरप्राइजेस हैं. मुझे मजा आया इस बार का टॉप 5 करते हुए, क्योंकि कुछ ड्रामे थे which deserve to be in this top 5 list of mine. So, सबसे पहले I want to share this with you guys. ये जो मग है ना, can you see? ये एहदे वफा का है. जब हम एहदे वफा की के लाइव शो पे गए थे तो वहां पे ये सब जो थे वो साइन कर रहे थे, सारे आर्टिस्ट और दे रहे थे. तो ये साइंड है बाय आहद. कैन यू सी? लाइक बहुत ज्यादा है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट और नॉट. और सैफी हसन, दो लोगों ने इसको किया हुआ है साइन. सो आई लव दिस. जब हम ऑफिस वापस आए, हमने ऑफिस खोल लिया है, स्टूडियो वापस आए, तो उसमें मैं चीजें इधर उधर रखी थी तो मुझे ये नजर आया. एंड आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू गाइस, यू नो. Yeah, so that's it. हाँ जी, तो टॉप फाइव में आज किसी पीटी मोहब्बत नहीं है, फॉर ऑल द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द किसी पीटी फैंस, क्योंकि मुझे मुझे ना समझ नहीं आ रही है किसी पीटी मोहब्बत की. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि वेयर डू आई स्टैंड ऑन इट. मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किस जॉनरा ऑफ यू नो ड्रामा से बिलोंग कर रहा है. Yeah, so maybe another 2 weeks we'll see, because मैंने इस हफ्ते की भी एपिसोड देखी लेकिन मुझे नहीं समझ आई और मैं काफी disappointed थी, you know. Yes, and उसके अलावा क्या, इस बार हमारे यहाँ 1, 2, 3 नए ड्रामे शुरू हुए हैं और तीनों बड़े जबरदस्त लग रहे हैं. सो लेट्स फाइंड आउट कि अगर उन तीनों में से किसी ने, एक ने या तीनों ने हमारे टॉप 5 को ज्वाइन किया या नहीं किया. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5. नंबर 5 में मेरे पास इस बार है सबात. ओके, सबात. मुझे इतना अफसोस होता है, सबात एक वो ड्रामा था जिसमें इतना पोटेंशियल था, जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकता था, जो बहुत सी जो बाप और बेटे की जो जेनरेशन की आइडियोलॉजी में फर्क है उसमें बात कर सकता था, रिलेशनशिप्स पे बात कर सकता था जैसे हसन और अनाया की है. बट आई फील वो इतना ड्रैग कर दिया और पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट्स जस्ट गोइंग डाउन द ड्रेन. और हसन का कैरेक्टर जो है उसमें इतना पोटेंशियल था, उसको जिस तरीके से बिल्ट अप किया अब कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका बाप क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है. अनाया जो इतनी यू नो राइट्स की चैंपियन थी, जो शुरू में उसको दिखाया कि वो हक की बात करी है, सीधी बात करी है, उसने हसन का दिमाग ठीक कर दिया, वो पता नहीं कहाँ खो गई है उसकी पर्सनैलिटी की वो साइड. सो ये सब चीजें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, यू नो. एंड सब मिराल और डॉक्टर हारिस का हमने सोचा था, वो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमने सोचा था कि डॉक्टर हारिस के आने के बाद या तो बहुत बड़ी फाइट हो या बहुत बड़ी चीज हो या फिर बहुत चीजें सही चल रही, कहीं बीच में अटके हुए हैं वो. एंड बट फिर भी आई फील इट्स नॉट दैट बैड. सो इसलिए सबात जो है वो बहुत ड्रैग हो रहा है, डिसअपॉइंटिंग है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे. उसकी ट्रीटमेंट सही तरह नहीं की गई है मेरे हिसाब से. अपॉलोजीज टू एवरीवन जो उसमें इन्वॉल्व है. Let's see, अगले कुछ किस्तों में क्या सबात can claim its first position that it used to be or not. Number 4 पे मेरे पास है बंदे एक डोर से. मुझे बंदे एक डोर से इस बार की एपिसोड देखने में इतना मजा आया. एक तो ये कि एहसन खान एंड उष्णा वर अमेजिंग अमेजिंग, यू नो. एंड आई लव इट कि थोड़ा सा रोमांस था. वो सीन जब वो अलमारी में के शीशे में खड़े होकर यू नो अपनी लिपस्टिक लगा रही होती है, एहसन खान उसको देखता है, यू नो उमर माहिम को देखता है, एकदम से उनकी रिलेशनशिप की में जो चेंज हुआ है ना, उसको डायरेक्टर और राइटर ने इस्टेब्लिश कराया. क्योंकि पहले तो वो सिर्फ दोस्त थे, अब वो उसके कमरे में रह रही है, उसकी बीवी है और उसके सामने इस तरह मेकअप कर रही है और वो सब कर रही है, तो वो यू नो इट हिट्स हिम जब वो बेड पे बैठा हुआ होता है. आई जस्ट लव दीज स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, यू नो. और उमर पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था कहीं, तो मुझे उस पर एक्चुअली जब वो शुरू और वो एक सीन जो है ना, जब वो शादी जब वो घर वापस आता है अपने भाई के साथ और कमरे में एंटर होता है और माही जो होती है वो बेड पे बैठी होती है, तो उमर उसको देखता है. एंड आई जस्ट लव दैट सीन कि उष्णा शाह ने उसमें कुछ नहीं बोला, माही उसमें कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ वो बोलता है रोना आ रहा है, तुम तो हर बात पे रोती हो. वो इतना खूबसूरत सीन था, उसने उन दोनों की रिलेशनशिप को डिफाइन किया और मतलब कुछ जज्बाती किस्म का डायलॉग नहीं, कुछ नहीं. आई जस्ट लव द डायरेक्शन एंड दिस होल सीन आर देयर, यू नो. सो बंदे एक डोर से बड़ा मजा आ रहा है. उनका रोमांस क्या होगा, अब वो रोशनी मैडम क्या करेंगी, थोड़ी आई होप कोई टिपिकल वो चीज नहीं हो जाए. इट्स अ फाइजा इफ्तिखार ड्रामा, इट्स नॉट अ टिपिकल ड्रामा. आई फील थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है, बट अगेन एज आई सेड बिफोर, फाइजा इफ्तिखार के ड्रामे आपको एकदम से हिट करते हैं, यू लाइक वी डिडंट इवन रियलाइज कि ये हमारे साथ हो गया है. सो बंदे एक डोर से हमारे पास है नंबर 4 पे. आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा.
सो नाउ सवाल जवाब विद खुशियम. ओके, सबसे पहला तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग इतना बोलते हैं कि कहानी बुरी है, स्टोरीज बुरी है, फिर आप लोग जाके नंद जैसा ड्रामा क्यों देख रहे हैं? जब हम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं ना नंद की, एवरी टाइम मैं पोस्ट लगाती हूँ उस पर इतने कॉमेंट्स होते हैं, इतने कॉमेंट्स होते हैं, और उसके ऑपोजिट कर्श, राजी उल्फा जो उससे बहुत बेहतर ड्रामे बिखरे मोती, हार्डली कोई एंगेजमेंट होती है. तो मतलब फिर देखें, यू कांट ब्लेम द क्रिएटर्स, क्योंकि आप लोग जाके देख रहे हैं ना वो ड्रामे. मैं तो रिव्यूअर हूँ, मुझे तो देखना है, क्रिटिक हूँ मैं, जब तक देखूंगी मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किस चीज़ को मैं रिकमेंड करूँ. बट आप लोग तो व्यूअर्स हैं ना यार, आप लोग क्यों देख रहे हैं? फिर देन वी शुड नॉट कंप्लेन, यू गाइस शुड नॉट कंप्लेन कि स्टोरीज अच्छी नहीं आ रही. तो मेरा तो सबसे पहले सवाल आप लोगों से ये है, आई एम गोइंग टू गो थ्रू द कॉमेंट्स एंड कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी. अच्छा, वो तमाम लोग मैं उन लोगों के नाम नहीं ले रही जो हमारी मेरी इस वीडियो के नीचे और हमारे इंटरव्यूज के नीचे भी लिखते हैं, मैंने आपसे कहा है ना फिरोज खान को इंटरव्यू करें, आप बात नहीं सुन रहे हैं. भाई फिरोज खान हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप सजल राहत को फोन को इंटरव्यू करें, आप यमुना और बिलाल को क्यों नहीं साथ मिला रहे? मैंने कितनी बार आपको बोला है, हमने भी यमुना और बिलाल को बहुत दफा बोला है कि प्लीज आ जाए. देखें, एक्ट्रेस का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है. बिलाल इस वक्त बिजी है डंकी रिकॉर्डिंग में, उनका बहुत मसरूफ टाइम गुजरा है, फिर कोविड चल रहा था, तो हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, हम कोशिश कर रहे हैं, यकीन जानिए हम कोशिश कर रहे हैं. तो आप प्लीज खुदारा ऐसे कॉमेंट्स लिख के हमें गिल्ट मत कराया करें, ये मैं कहना चाह रही थी. क्योंकि जब वो आता है ना कॉमेंट, इट लुक्स लाइक कि हम कोशिश नहीं कर रहे, हम सबके साथ कोशिश कर रहे हैं कि इंटरव्यू हो जाए, बट एक्टर्स आर वेरी बिजी, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता. अच्छा जी, मरियम शेख पूछ रही हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हिच एंडिंग इज मोर सैड, इश्किया और ये दिल मेरा? ऑफ कोर्स इश्किया, क्योंकि इश्किया में तो क्लियर उन्होंने बता दिया ना कि उसने हमजा को तलाक ले ली है, या खुला के वो पेपर्स कर देती हैं, देयर इज उन दोनों का कोई होने वाला नहीं है, एंड आई फील हमजा डिडंट डिजर्व इट, आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट इट नाउ. ये दिल मेरा में फिर भी उन्होंने होप ओपन छोड़ा है, होप है कि कुछ अरसे बाद शायद एन और अमान एक दूसरे से मिल जाएं, सो डेफिनेटली इश्किया इज मोर सैड देन ये दिल मेरा. सॉरी, मुझे नाम नहीं मिल पा रहा है कमेंट्स में कि किसने मुझसे ये सवाल पूछा था कि सड़क 2 के ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है. बेसिकली सुशांत की डेथ के बाद ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी और ये सब चीज़ें हो रही हैं कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है बॉलीवुड में एंड एवरीथिंग. सो माई पॉइंट इज कि आलिया भट्ट को सक्सेसफुल कराने और उन सबको और ये जितने भी बच्चे हैं उन सबको यहाँ तक लाने में आप सबका बहुत बहुत, जो उनके फैंस हैं उन सबका बहुत हाथ है, इंडिया की पॉपुलेशन का हाथ है. तो अब क्यों रो रहे हैं भाई? आप लोगों के हाथ में था ना, जब नई मूवी आई थी, जब पहली बार आया था, तो क्यों एक्सेप्ट करते हैं? यू नो, जितने भी पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जैसे श्रीदेवी ले लें, कोई भी ले लें, उन सबके बच्चे जब सैफ अली की बेटी को ले लें, तो जो बच्चे भी आते हैं उनको इतनी आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है, मेजोरिटी ऑफ देम. तो फिर वी कांट, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब रोना किस बात का है? अब तो आलिया भट्ट इज आलिया भट्ट, शी इज हियर. So how, why are you complaining? What are you complaining about? मुझे नहीं पता, and I'm sorry अगर मैंने मुझे मसला सही तरह समझ लिया, मैंने गलत बात बोली है. आयशा नूर पूछ रही है, my question is, अगर आपसे कोई एक idea movie का ले, कोई writer, तो वो किस तरह का होगा और वो किस city में होगा और उसमें item number होगा या नहीं? तो हम ये सवाल जवाब में स्टोरी लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हम स्क्रिप्ट तो नहीं स्टोरी लिख रहे हैं, तो मैं यही स्टोरी बोलूंगी कि ले लें भाई, ड्रामे की जगह मूवी बना लें, और उसमें आइटम नंबर डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन उसमें एक बहुत मजे का कोई गाना जरूर होगा जिसको लोग शादियों पे बजा सकें और वैसे भी गा सकें, गाड़ी में सुन सकें और अच्छे मूड में रह सकें, सुन सकें. आई फील, मोहम्मद सैफ कह रहे हैं, आई फील दैट इन मोस्ट ऑफ ऑल द ड्रामास ऑफ पाकिस्तान व्हाई देयर इज लव ट्रायंगल प्लॉट ईदर स्मॉल वे और लार्ज वे. हम भी यही बात बोल रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि हमें इससे आगे मूव करना चाहिए, लेकिन कोई हमारी बात अभी तक सुन नहीं रहा है. कवल अशफाक ने बोला है, राबिया फारूक प्रिंस सर ने नीचे कॉमेंट किया है, आई होप आपकी बनाई हुई स्टोरी पर वो ड्रामा बना लें. ये आइडिया बहुत अच्छा था कवल, मुझे खुद इस बात का ख्याल नहीं आया, बट क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता अगर वो सुन रहे हैं तो. अस्किया कह रही है, आई एम थिंकिंग अबाउट अ ड्रामा फोकसिंग ऑन साइकोलॉजिकल ड्रामास विद अ टच ऑफ क्यूट रोमांस, क्राइम थ्रिलर बट नॉट revenge story. I'm done with casting story till 6th episode. Sajal Ali, Feroz Khan and Hani Aamir in leads. आगे नहीं बता सकती, suspense है. तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो drama, वो story कैसी है और हमें वो story पसंद आएगी या नहीं आएगी? कुछ तो आपको आगे share करना पड़ेगा, लेकिन कहानी में potential लग रहा है, मुझे interesting लग रही है. Cast, I'm not too sure. Maybe you might want to think about the cast again.
आई थिंक आज के लिए इतने सवाल. अच्छा, हुमा शाहीन कह रही है, जो लोग मेरी तरह टर्किश ड्रामा देखते हैं उन्हें ये ड्रामे फजूल लगते होंगे, इश्किया को अब देखने को दिल ही नहीं करता, बहुत बोरिंग हो गया है. हम हुमा, इश्किया तो खत्म हो गया और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी टर्किश ड्रामे देखती हूँ, मैं कोरियन ड्रामे भी देखती हूँ, और उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामे देखना काफी आपके पेशेंस का टेस्ट होता है. अच्छा, हमने पिछली बार बात की थी Z5 की और मुझे बड़े मिक्स कॉमेंट्स आए हैं, कोई बहुत अगेंस्ट है और कोई कह रहा है कि सही है. मेरी अप्रोच ये होती है कि कभी कभी हमें कड़वी गोली खानी पड़ती है टू रीच टू समवेयर, एंड आई थिंक Z5 इस वक्त वो प्लेटफॉर्म है जो हमें नेटफ्लिक्स तक पहुंचाने में या नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक ले जाने में मदद कर सकता है. तो आई एम सॉरी कि मुझे पता है बहुत से लोगों की सेंटिमेंट्स इस पे हर्ट होंगी, लेकिन आई थिंक Z5 पे हमारा Z5 पे पाकिस्तानी वेब सीरीज का जाना इज अमेजिंग, इज ग्रेट. और क्योंकि उनके पास बजट ज्यादा है, उनके पास और बहुत सी फैसिलिटीज और बहुत सी सपोर्ट होगी जो शायद उनको यहाँ रहते हुए नहीं मिल रही है, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज डेफिनेटली मच बेटर जो कि नेटफ्लिक्स को चाहिए होती है. सो यस, दैट्स ऑल. मेरा सवाल आप लोगों के लिए है कि काफिर देखा है आपने, मेरे कातिल मेरे दिलदार देखा है, हुमायूं सईद वर्सेस अदनान सिद्दीकी, हु वाज द बेटर विलन? इसका सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए. एंड वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. नंबर 3 पे हमारे पास है सराब. सराब लिखा है एडिसन एडवीस ने और डायरेक्ट किया है मोहसिन तलत ने, इसमें समी खान और सोनिया हुसैन ने. इस हफ्ते इसकी पहली एपिसोड आई. I am so proud of all these people who are part of this project called Sarab, क्योंकि Sarab एक condition की बात कर रहा है which is called schizophrenia. मैंने जाके उसकी पूरी pronunciation याद करने की कोशिश की, and I hope मैं इसको सही pronounce कर रही हूँ. Schizophrenia. Schizophrenia में क्या होता है, आप delusional हो जाते हैं, आपको चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं, आप चीज़ें imagine करने लगते हैं, आपका behavior अजीब सा हो जाता है, disruptive होता है, आपके motor skills जो है ना उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा control नहीं रहता है. And बहुत से लोग जिंदगी में इस चीज को फेस करते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि हमारे ड्रामा क्रिएटर्स ने या हमारे राइटर्स ने इस टॉपिक को उठाया और इसके ऊपर ड्रामा बना रहे हैं. एंड अब जब मैंने जाके उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उस पर रिसर्च किया, तो आई रियलाइज कि उन्होंने जो कुछ ड्रामे में दिखाया उसको आई कुड रिलेट. आई लाइक ये भी उसने किया, ये भी उसने किया. एंड सोनिया हुसैन डिड अ ग्रेट जॉब, आई रियली लाइक्ड इट. कुछ जगहों पे मुझे समझ नहीं आई, एंड थोड़ी देर बाद मुझे हिट किया कि ये तो इमेजिन कर रही है, यू नो शी ये रियालिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. एंड उनके एक और जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी सराब में, वो उनके आसपास के लोगों का बिहेवियर था, जो कि टिपिकल हमारे यहाँ होता है कि हम कभी भी ना, अगर कोई इंसान डिफरेंट चीज कर रहा है या इंसान कोई थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह इसको चीजें करनी चाहिए, हम उसको बस जाहिल बेवकूफ और यू नो हम कोने में कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसकी रीजन हो सकती है. तो उसके घर में भी उसकी बहन भी उसके साथ ऐसा ही कर रही है, यू नो चाय नहीं बनाने देती तुम तो गिरा दोगी. एंड आई लाइक दिस डायलॉग्स जो समी खान कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बैठे बैठे तुम डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है कि बैठे बैठे तुम सोचो और तुम्हें यही नहीं पता हो कि तुम क्या सोच रही हो, बिकॉज दीज आर कंडीशन जो हमारे यूथ में बहुत लोग फेस कर रहे हैं. और जिन लोगों को डिप्रेशन होती है या जो लोग ऐसी कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, वो खुद भी उनके पास खुद भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है चीज़ों की. सो मुझे लगा कि इस ड्रामे ने जो वो इंसान जिस चीज से गुजर रहा है और हमारी सोसाइटी उस कंडीशन की का रिस्पॉन्स कैसे देती है, उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया. सो सराब नंबर 3 पे है. आई रियली रियली होप कि ये आगे जाके भी इसकी ट्रीटमेंट सही रखें, इसको पॉजिटिव दिखाएं, उसकी एक जर्नी बड़े अच्छे तरीके से दिखाएं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दुख और रोना धोना नहीं हो, और एक अच्छा मैसेज हमें दिया जाए. सो कुडोस टू द होल टीम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सराब इज ऑन नंबर 3 दिस वीक. डायरेक्टर ऑफ द वीक. ओके, डायरेक्टर ऑफ द वीक इस बार जो है ना वो मैं एक को नहीं दे सकी. मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ओके इट्स ऑन वन साइड मुझे लगा कोई भी ड्रामा इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं उसका एक उठाऊं, किसी एक को उठाऊं. और ऑन द अदर हैंड मुझे लगा जो 3 नए ड्रामे स्टार्ट हुए हैं वो इतने अच्छे तरीके से डायरेक्टेड थे, नॉट टू द परफेक्शन बट फिर भी बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टेड थे, कि उन तीनों के डायरेक्टर्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है. सो देर इज एहसन तालिश फॉर मुश, देर इज मोहसिन तलत फॉर सराब, एंड देर इज कासिम अली मुरीद फॉर प्रेम गली. दीज आर द 3 डायरेक्टर्स इन आवर गोइंग टू टॉक अबाउट. मुझे जो बात मुझे अच्छी लगी उन तीनों की वो ये थी कि पहली एपिसोड ही इतनी जबरदस्त थी, इतने मजे की थी कि आपको
आप बोर नहीं हुए, यू वॉन्टेड टू सी मोर, बिकॉज यूजली कोई भी ड्रामा कितना भी अच्छा हो, पहली तीन एपिसोड तो स्लो होती है, बोरिंग होती है, यू लाइक अच्छा हाँ आगे बिल्डअप होगा बिल्डअप होगा. लेकिन इन तीनों ड्रामों ने पहली एपिसोड में ही आपको पकड़ लिया, ठीक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. सेकेंड मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि तीनों ड्रामों में कैरेक्टर्स आर सो वेल डिफाइंड, देयर इज नो एम्बिग्युइटी, यू नो उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर मुश्क मिले तो उन्होंने गुड्डी, महक, यू नो इमरान अशरफ थोड़ा, और ना सिर्फ ये बल्कि उनके आस पास के जो कैरेक्टर जो ताई जी हैं और उनके जो बच्चे हैं, उन सबके कैरेक्टर्स को इतनी अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया कि मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है. मैं मुझे पता है कि एक फैमिली है और इसमें ये सब लोग एग्जिस्ट करते हैं, और महक के साथ कोई मिस्ट्री है, और गुड्डी को उसने किसी काम के लिए लेकर आई है, एंड इमरान अशरफ जो है उनको महक पसंद है, उसामा ताहिर कहाँ से बीच में आ गए. यू नो सो आई लव दिस क्लियर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑल द प्लेयर्स ऑफ द ड्रामा. अगेन आप प्रेम गली में ले लें, कितनी क्लियर के जोया कैसी है, यू नो वसीम अब्बास का क्या कैरेक्टर है, सबा हमीद कैसी है, नानी क्या बोलती है, यू नो इतनी क्लियर विद योर मैनरिज्म, विद योर स्मॉल स्मॉल डायलॉग्स, एक्शन तो स्क्रिप्ट के साथ साथ डायरेक्शन का भी ताल्लुक है, यू नो. सो आई लव दिस. इसी तरह शराब में उन्होंने बहुत क्लियरली कि सोनिया हुसैन क्या है, माँ का क्या कैरेक्टर है, कि माँ किस तरह की थिंकिंग रख रही है, समी खान कैसे उसको आ रहे हैं उसकी तरफ, और वो जो उनकी बहन है सोनिया की छोटी, मुझे उनका नाम सॉरी अभी नहीं याद आ रहा, वो कहीं दीप जले में भी थी. सो आई लव दिस थिंग, ठीक है. थर्ड आई लाइक इट दैट स्टोरी को उन्होंने पेस को तेज रखा है, कहीं भी पेस, तीनों ड्रामों में पेस स्लो नहीं थी, सो आप बोर नहीं हो रहे थे, तो आई लव दैट. जो चीज मुझे थोड़ी सी वो है, अफसोस है, वो ये कि मेरे ख्याल में ओके शराब की प्रोडक्शन क्वालिटी मुझे फिर भी बेहतर लगी. मुझे मुश्क और प्रेम गली की प्रोडक्शन क्वालिटी एंड कैमरा एंगल्स डेफिनेटली कैन बी सो मच इम्प्रूव्ड. आई ऑल्सो फील एक्टर्स कुड हैव डन अ बेटर जॉब, एंड दैट्स वेयर डायरेक्शन कम्स. आई विल नॉट टेक नेम्स, मैं अभी आगे की चार पांच एपिसोड देखूंगी, फिर मे बी शायद आई विल स्टार्ट टेकिंग नेम्स के इनको बेहतर डायरेक्ट करना चाहिए था, इनको बेहतर करना चाहिए था. आई रियली फील, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी, जब प्रेम गली स्टार्ट होता है तो उसमें वो ट्रक में आ रहा है एंड फरहान जो है वो ऐसे करके, मतलब प्लीज यार कम अप विद, लेट्स मतलब हम नए कॉन्सेप्ट ला सकते हैं ना, ये कितना पुराना सीन है कि वो हीरो जो है वो अपने मुंह को कवर करके पड़ा होता है कहीं कुर्सी पे या ट्रक पे, और वो अंदर उसकी एंट्री होती है, और वो भी फिर आपने सही तरह नहीं दिखाई, वो कहीं से कोई कैमरा एंगल ऐसा नहीं था जो जूम इन करता या कोई म्यूजिक होता वो भी होता, यू नो. सो मुझे इस तरह की चीजें थोड़ी सी वो लगी. मुश्क में मुझे समझ नहीं आई, तांगे से उतर के लेके वो बच्चा, मतलब एक तो बच्चे को ऐसे उठाया हुआ लग रहा था अभी गिर जाएगा वो, एंड इट वाज सो ऑब्वियस कि इट्स फेक, यू नो. जब आप इतनी अच्छी प्रोडक्शन करें, जब आप इतनी अच्छी चीजें करें, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सॉरी अब ऑडियंस इंटेलिजेंट हो गई है. शराब में मुझे एक्टिंग वाइज लगा कि थोड़ी डायरेक्शन बेहतर हो सकती थी. सो दैट्स ऑल, बट ऑल दीज डायरेक्टर्स हैव डन अ ग्रेट 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 जॉब एंड हैव गिवन अस वेरी नाइस एपिसोड्स ऑफ ऑल दीज थ्री ड्रामास. लेट्स सी अगले हफ्ते क्या इनके दरमियान कुछ होता है, और इनमें से कौन टॉप ड्रामा देगा और कौन Director of the week में आए. We looking forward to it. Number two पे कौन है? आप guess कर सकते हैं. I'm giving you 5 seconds, 10 seconds. जल्दी से जाके लिखिए number two पे कौन है. 1, 2, 3, 10. Number two पे हमारे पास है प्रेम गली. Yes. So प्रेम गली की पहली episode आई Monday को और मुझे बहुत मजा आया देखने का. अच्छा उतनी फनी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फायजा इफ्तखारिका की एंड कासिम अली मुरीद की डायरेक्शन के साथ, बट लेकिन फिर भी मजा आ रहा था. सो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पार्ट बड़े मजे के थे, यू नो हंसी आ रही थी. आई लव, व्हाट आई रियली लव इसके जिस तरीके से हर कैरेक्टर को इतना अच्छा डिफाइन किया हुआ है. आपको पता है कि दुख्तराने रहमत जो है ये था ना, आई थिंक उसमें सब कैसे है कि शीरी का कैरेक्टर ऐसा है इतने गुस्से वाला हर वक्त माथे पे बल, यू नो, और जो सेकंड वाली सिस्टर है वो हर वक्त दुख में गाने गाती रहती है, जो या एक नई एक यंग लड़की है. सो आई लव द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द होल थिंग. कुछ सीन बहुत फनी थे, कुछ सीन बिल्कुल अच्छे नहीं थे. मुझे फरहान सईद का हेयर स्टाइल बिल्कुल समझ नहीं आया, और मुझे ये शिकायत है कि देखें जब आप लोगों को रोल्स में लेते हैं एक्टर्स को, प्लीज उनको एज अप्रोप्रिएट कराएं. And at the cost of getting some, you know, bashing or कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाए, मैं बोलूंगी एसिम खान के साथ मुझे बंदे गोर में भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे फरहान सईद के साथ भी ऐसा ही लग रहा है. मतलब आप या तो आप कैरेक्टर की एज बढ़ा दें ना, अगर आप एज नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर एक्टर को बोलें कि उसकी या उसके गेटअप ऐसा कराएं कि वो
he stays true to his, you know, his character. Unke baal ajeeb se mujhe nahi samajh aaye, but and then I love it ki her character itne maze ka tha usme. Her character ko, kisi bhi character ko aap ignore nahi kar sakte the, you know. So I just loved it. Acha, mujhe laga ki casting thoda sa mujhe laga ki change ho sakti thi. But yes, overall बहुत मजा आया. अच्छा एक चीज और जो मुझे interesting लग रही है कि उन्होंने stereotype से हटा के चीजें की हैं, you know, कि वो चार औरतें हैं जो साथ रहती हैं और उनमें से दोनों तीनों नानी बेटी और नानी माँ सॉरी माँ और दोनों बेटियां मतलब उनमें डाइवोर्स हुई भी है एंड बड़ी दे आर ओके विद इट, यू नो. सो आई एम लाइकिंग दिस कॉन्सेप्ट जो फैज़ इफ्तिखार आपके चेहरे पे फेंक रही है. उन्होंने पहले ही 10 मिनट में इतनी दफा तलाक 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 का बोला कि नाउ आई थिंक इट्स हर वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग इट. इट्स नो बिग डील अगर किसी को तलाक हुई है, यू नो, जो जो टैब, क्योंकि जितना आप कोई चीज को सुनते हैं उतना ही आप उसको आपको वो आप यूज टू हो जाते हैं. फिर ये कि शीरीन जो होती है, जो जो सबा हमीद है, वो उन्होंने करियाने का स्टोर खोला हुआ है, जनरल स्टोर खोला हुआ है, यू नो. सो आई रियली लाइक दीज स्टीरियोटाइप से हटके जो उन्होंने चीजें करी हैं, यू नो. वो चार लड़कियां साथ रह रहे हैं और उनकी अपनी एक स्टोरी चल रही है. उसमें फरहान जो है वो खुद सब कुछ ठोक रहा है, सब कुछ कर रहा है और बड़े उससे वो उनकी नोकझोंक भी बड़े मजे की है. सो यस, इट्स इंटरेस्टिंग. वी सी हाउ द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स गो. फैज़ इफ्तिखार इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट बेंगली. आई रियली होप इट पिक्स अप इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स. हाँ जी, तो एक्टर ऑफ द वीक कौन है? एक्टर ऑफ द वीक हमारे पास है सबा हमीद फॉर बेंगली. I just loved her. I think she was amazing. Unka character aisa tha ki wo unhone character ko own kiya hua tha, from her mannerism to her dressing to her expressions. Saba Hamid to waise hi bahut hi seasoned artist hain, lekin is episode aur Prem Gadi ke drama mein to unhone hame like unhone kuch aur hi kar diya hai. And actually sir usli iske liye nahi, Ghissi Pitti Mohabbat mein bhi unka character kitna different hai, lekin itna maza aata hai unko dekh ke jab wo aati hain स्क्रीन पे तो वो छा जाती है. बट आई कम बैक टू प्रेम गली. आई रियली लाइक इट. वो सीन था जिसमें जब जोया का रिश्ता लेकर आती है उनकी दोस्त, वो उनकी अम्मी से बात कर रही होती है, एंड शी इज सिटिंग ऑन द इन द अदर रूम एट द बैक साइड डाइनिंग टेबल पे. वो कुछ काट रही है, सब्जी काट रही है, कुछ कर रही है, और उधर से ही उन्होंने बोला बात सुन के और इतनी दूर से उनकी एक्सप्रेशन ली. बट शी वॉज सो गुड विद हर voice, with her expressions, वहीं से कि आपको बिल्कुल समझ आ गई कि शीरी इस वक्त क्या कहना चाहती है, यू नो. एंड वो जो डायलॉग्स बोल रही है वो इतनी effortlessly निकल रहे हैं कि वो लाइक लग नहीं रहा कि she is making वो कोई और है, वो मुझे शीरी ही लग रही है. एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग कि एक एक्टर आपको बिलीव करा ले कि वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो ही कैरेक्टर है, यू नो. माथे के बल से लेके, यू नो, अजरक वाला वो जो पहनावा है कि उनकी उनकी ड्रेसिंग और उनकी मैनरिज्म में भी, यू नो, ऐसे बैठी नहीं है, ऐसे किया. और जोया के साथ उनका जो था वो बड़े मजे का था, जब एज अ मदर उसको बोलती मेरे को बता रही क्या किधर जा रही है. आई जस्ट लव्ड हर. सो फॉर मी दिस वीक एक्टर ऑफ द वीक इज सबा हमीद. आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को उनकी एक्टिंग कैसी लगी. डू यू एग्री विद माय डिसीजन और नॉट. सो नंबर वन पे कौन है हमारे पास? आप सोच रहे होंगे सबा तो नंबर फाइव पे, प्यार के सबके और इश्किया तो खत्म हो गया, तो फिर नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे इस बार हमारे पास है मुश्क, जो एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया और इमरान अशरफ ने लिखा है. मुझे मुश्क को देख के बहुत मजा आया, सिंपली बिकॉज ऑफ दैट इट्स ऑन नंबर वन, यू नो. मैं उसके बारे में क्या और बोलूँ कि उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग थी. मैं देखती रही और मुझे एक दफा भी बोरियत नहीं हुई. जहाँ एक चीज होना शुरू होती थी मैं उसको यूज टू होके बिल्कुल बोर होने के एंगल पे पहुंचती थी, दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती थी. एंड इतनी क्वेश्चंस है मेरे पास कि मुझे नेक्स्ट एपिसोड देखनी कि आगे क्या हुआ. एंड आई लव द फैक्ट कि वो फ्लैशबैक में ले जाके आपको थोड़ी सी कहानी सुना रहे हैं. सो पहली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, ग्रिपिंग थी. आई डोंट थिंक आप बोर हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा था और कहानी भी इंटरेस्टिंग लग रही थी. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मुश्क इज ऑन नंबर वन. आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए. यूट्यूब पे अगर आपने हमें पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. आप रेटिंग से एग्री करते हैं क्या नए तीन ड्रामे जो आए हैं वो जस्टिफाइड हैं हमारे टॉप फाइव में आने के लिए या नहीं. आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग. और थॉट ऑफ द वीक मेरी यही है कि हम लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन एक्शन कम करते हैं. अगर हमें वाकई कंटेंट नहीं चाहिए सास बहू का, अफेयर्स का, नंद भावच का, तो फिर हमें नंद जलन और इस तरह से ड्रामे नहीं देखने चाहिए. मुझे भी और याद नहीं आ रहा है, एक और मुकद्दर भी बहुत ही फजूल सा ड्रामा था. सो हम क्यों, आप लोग क्यों देख रहे हैं ऐसे ड्रामे? थॉट ऑफ द वीक ये है. तो बोलने के साथ साथ एक्शन करना भी जरूरी है. तब तक जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कॉन्टेंट चेंज नहीं होगा.
हम लोग जो बोलना चाहे बोल लें, अगर व्यूअर्स अगर व्यूज मिलेंगे चैनल्स को प्रोडक्शन हाउसेस को तो वो ऐसी स्टोरीज बनाते रहेंगे. मतलब जलन चल ही रहा है और उस पर इतना इतना हम लोग सब बोल रहे हैं और उसके साथ ही नंद भी शुरू हो गया है, तो इससे ज्यादा आप क्या देख सकते हैं कि हम तो किसी दीवार से बात कर रहे हैं. That's all. That's thought of the week. And let me know what you guys think. I'll see you next week soon.